उत्तर प्रदेश से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है जो यूपी के फतेहपुर जिले से, जहां हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। वहीं प्राप्त विवरण के अनुसार असोदर थाना क्षेत्र के सुजानपुरा में 25/6/2017 को सुबह कृष्णपाल की पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसका स्वर्गीय कृष्णपाल के पुत्र राजा भैया ने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय अशोक कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों को न्यायाधीश के सामने पेश किया था और दलील सुनकर दोषी पाए जाने पर अभियुक्त राजकरण पुत्र जयसूरत उर्फ गुलाब, शिवोदन पुत्र श्रीपाल, राजपीत पुत्र अज्ञात को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। थाना सोकर के अंतर्गत गांव सुजानपुर है, वहाँ से 25/6/17 को जो है ये अभियुक्तगण राजकरण, शिवबोधन, संत राम सिंह, कल्लू रामजीत ने जो है पुरानी रंजिश को लेकर जो है मृतक ये वादी है इसके राजे भैया उनके पिता कृष्णपाल सिंह को पुरानी रंजिश के कारण लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें विचारण हुआ माननीय न्यायालय में और माननीय न्यायालय ने विचारण के बाद आज इनको अब 3 अभियुक्तगणों को दोषमुक्त सिद्ध किया है और जिसमें से 2 अभियुक्तगणों को पुलिस ने विवेचना के दौरान संतराम और कल्लू को निकाल दिया था और 3 के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी और माननीय न्यायालय ने आज विचारणों के बाद जो है इनको इनको आजीवन कारावास और 20,000 रुपये की जुर्माना से दंडित किया है माननीय न्यायालय। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों पर नजर, जहां पर मुस्लिम समाज के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा एक ज्ञापन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के दमापुर गांव निवासी मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबर पर नजर, जवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। ज्ञापन देने आए थे हमारे गांव में, बाप दादा पुरखावन से नमाज होती चली आ रही है और सब शांत पूर्वक रह रहे हैं सभी लोग, लेकिन कुछ अराजक तत्व द्वारा 26/3/2022 को हमारे यहाँ नमाज पढ़ने को आ गए, रोका, जिसमें से थाना मलवा के थानेदार ने सभी चीज़ों को रोक दिया, जो कि हमेशा से होता चला आ रहा है। शांतिपूर्वक सभी भाईचारा से मिलते रहते हैं, जिसमें मलवा थाने ने रोका। आज कहाँ है? आज DM फतेहपुर के यहाँ है। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला है कि निष्कर्ष करेंगे जो होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैद नाम है। कौन सा गाँव है? ग्राम दमापुर। मतलब नमाज पढ़ने के लिए जो है वहाँ पे मतलब वर्षों से हो रही है, लेकिन आज स्थिति ये है कि कुछ अराजक तत्व हमारे गांव के हैं जिन्होंने कुछ मतलब उसमें विरोध किया, लेकिन हमसे किसी ने नहीं किया, लेकिन हम लोग प्रशासन के पास भी गए, प्रशासन ने जो है उसको बंद करवा दिया है कि मतलब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अपने अपने घर में पढ़िए। भाई हम लोग पिछले समय से भी कोरोना का कारण प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए भी हमने लोगों ने नमाज अपने अपने घर में पढ़ी, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। भाई हम लोग अब एक साथ नमाज, जुमे की नमाज होती है तो साथ में ही होती है, भाई अकेले घर की एक नमाज होती है, चलो 5 टाइम की है तो हम लोग अकेले घर में पढ़ लेंगे, लेकिन जुमा है, ईद बकरीद है, ये नमाज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? ये सब साथ की नमाज़ें हैं हमारी। तो हमारी महोदय से निवेदन करने के लिए से प्रार्थना पत्र दिया है जिला अधिकारी जी को कि हमारी न्यायिक जाँच की जाए और हमें हमारे गाँव वालों से मतलब सुरक्षा भी दें कि कोई आदमी हमारे साथ गलत ना करे और हमें मतलब हर तरह की मदद करे। क्या नाम है आपका? आरिफ खान। कहाँ के रहने वाले? दमापुर निवासी हैं। सरकारी धन की हो रही लूट, जिम्मेदार है मौन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम सच की तह तक। आपको बता दें कुछ बातें किताबों में और किस्सों कहानियों में ही अच्छी लगती है, उनकी हकीकत से कोई भी वास्ता नहीं होता है।
और वहीं ऐसा ही कुछ बीजेपी सरकार में देखने को मिला है कि इस सरकार में देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। वहीं पर आपको बता दें, बुलडोजर बाबा के डर से भ्रष्टाचारियों ने प्रदेश छोड़ दिया है, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी सब कुछ समाप्त हो चुकी है, जबकि जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी चरम सीमा पर है। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट। ये ईंटा कितने नंबर लग रही भैया? ये तो 3 नंबर ईंटा है। कौन सी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ईंट को? नहीं, कौन सी नंबर, मतलब पट सेम क्या बोलते हैं इसको? अरे इसका 3 नंबर क्यों मेर की ईंट, पट सेम दुनियादारी क्यों मार? नहीं, जो आप लोगों को ये दी गई है कौन सी ईंट है? 3 नंबर ईंटा है। 3 नंबर है। हाँ, 3 नंबर। सीमेंट कौन सी यूज करें? एक मिनट, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राम किशोर है। आप लोग थाना सुल्तानपुर घोष? आप लोग मिस्त्री, मतलब वर्कर हैं इसमें? हाँ, वर्कर हैं। जी जी, तो आप लोग को कितना ठेकेदार या जो इसके मालिक हैं कितना बोले हैं मसाला डालने को? वो बोले हैं कि शायद एक मैं एक बोरी पेड़ बोले हैं इसमें। लगभग कितना, मतलब कितने तसले बालू में या कितनी कै कप? 20 तसला मोरा में, एक एक ढाई तसला सिल में जाती है। 20 तसला पूरी बात, एक बोरी सीमेंट है इसमें। एक बोरी सीमेंट है और कितनी बोरी बालू है? बालू भी तसला नापी जाती है। तसले नापी जाती है, तसले से 20 तसला। 20 तसला बालू, एक बोरी सीमेंट, एक बोरी सीमेंट। सीमेंट तो ये कुल कितने में पड़ा है? रिच क्या 9-1 का, 7-1 का, क्या बोलते हो भाई? 8 रोक दिया, 8-1 का, 8-1 की पड़ जाता है। एक मिनट, अब आप बता दीजिए।